नमस्ते। हेलो हेलो नमस्ते। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू करण बनाए करोड़पति। ये एक ऐसा शो है जहां मैं करण जौहर आपसे पूछूंगा सिर्फ 20 सवाल और आप घर ले जाएंगे 1 करोड़। हमारे शो में हार जीत तो होती रहती है, कभी खुशी कभी गम, यू नो। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट क्या कमाल दिखाते हैं। लेट्स सी if he lives up to his name and gives us some rocking action tonight. Let me tell you, इनका नाम सुनते ही आप चौंकने वाले हैं। Please welcome Mumbai से the one and only none other than Akshay Kumar. Akshay Kumar, सच में? ये अक्षय कुमार? Hello. Hello and welcome to Karan Banaye Karopati. आइए प्लीज। Very nice to meet you sir. Come on. Good to see you too. Hot seat पे आपका स्वागत है। Thank you sir. Okay. हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं। आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं सर। Thank you. कभी अलविदा ना कहना, मैंने 2 बार देखी है। And I must compliment you on your good taste. तो मिस्टर खिलाड़ी गेम शुरू करें। Absolutely. Fantastic. तो पहला सवाल 1000 के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। सर यू कैन लॉक इट सर। नो ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स आई कैन लॉक इट, पर मैं सवाल पूरा कर लूं। yeah. भारत के राष्ट्रपिता कौन है ये तो हम सभी जानते हैं, पर साबरमती आश्रम में उनका जो रसोइया था उसका नाम क्या था? आपके 4 ऑप्शंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए हितेन भाई शाह, बी प्रवीण भाई पटेल, सी चुंग फा, या डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। सर ये सवाल 1000 रुपए के लिए है ना? जी बिल्कुल। क्यों? नहीं बस मुझे लगा कहीं गलती से आखिरी सवाल पहले तो नहीं पूछ लिया। बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, पर सवाल तो यही है। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। आई न्यू इट। श्योर। एक्सक्यूज मी अक्षय जी, इफ यू डोंट माइंड, पिछले 1 घंटे से आप पहले सवाल पे अटके हुए हैं। सारी लाइफलाइंस भी यूज कर ली आपने। भगवान के लिए आप एक ऑप्शन लॉक कर लीजिए प्लीज। प्लीज। ए हितेन भाई शाह या डी नन ऑफ द अबव। आई बेग ऑफ यू। ठीक है, ए हितेन भाई शाह। थैंक गॉड। कंप्यूटर जी जल्दी ए हितेन भाई शाह को इमीडिएटली लॉक कर दीजिए आप। गलत जवाब। सही जवाब है डी नन ऑफ द अबव। आपको जानना चाहिए था अक्षय जी कि गांधी जी अपने सारे काम खुद क्या करते थे। मेरे तो सपने में भी पैसे कमाने के वांदे हैं। नाम एक एक्शन हीरो का, लेकिन मैं रिएक्शन हीरो हूँ। अंडरवर्ल्ड का तो मुझे पैदाइशी अट्रैक्शन है। मैं खुद तो हूँ फट्टू नंबर 1, लेकिन कॉलेज के टाइम से ही भाई लोगों के साथ उठना बैठना, फुकट का शाइनिंग करना और उनकी खबरें जमा करना मेरा पैशन था। वही पैशन आज भी फैशन में है, लेकिन मेरी नौकरी बनकर एक ऐसी नौकरी जहाँ पर्सनालिटी में दहशत हो ना हो, आवाज में दहशत जरूर होनी चाहिए। और इस तरह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चावले ने चिकना अयूब को बीच सड़क पे गोलियों से भून दिया, और ये मुमकिन हुआ आप जैसे सतर्क दर्शकों की वजह से। सो रिमेम्बर, Together we can and we will make a difference. इसीलिए कहता हूँ अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। मैं हूँ अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं खलबली। Okay. अरे यार अभी तू जरा साइड में आना, तेरे से अर्जेंट बात करनी है। आजा। अरे यार वो मेरे पैसे का कोई जुगाड़ हुआ क्या? डिफिकल्ट है यार, अमाउंट बड़ा है ना, सामने वाला गारंटी मांग रहा है। वैसे तुझे इतने पैसों की जरूरत? रवि इट्स पर्सनल यार। कूल। अंडरवर्ल्ड ने मुझे नौकरी नहीं छोकरी भी दी है। तड़प हो तुम दिल की जाकी, हसरत हो तुम, अब तो जीना नहीं तेरे बिन हूं। नशी, अब तो जीना नहीं तेरे बिन हम नशी। अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। हाय बेब्स, दुबई के सारे डिटेल्स मिल गए। दुबई के? हाँ, तुमने तो कहा था ना कि दुबई के गैंगस्टर्स के साथ भैया के रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग भागकर दुबई जाएंगे। पैसों का कुछ अरेंजमेंट हुआ? डोंट वरी बेब्स, समझो हो ही गया है, सिर्फ हाथ में आना बाकी है। What are you saying? मतलब विदिन अ वीक हम लोग दुबई में होंगे? You don't know how long I've been waiting for this, Aki. Finally वो दिन आ गया। मैं अंडरवर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ रही हूँ, and it's all because of you. I love you. So you see, this is my story. इस क्राइम रिपोर्टर को प्यार भी हुआ तो एक डॉन की बहन से, और इसीलिए आज मुझे पैसों की फटे तक जरूरत है। वैसे किसे नहीं होती, मेरे एक दोस्त को भी है। आई कॉल्ड हिम द डूड। जी मैं रमाकांत जोशी बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई फिर वही है। रहने दो ना यार, पागल है बुड्ढा, जाने दो। हाँ बोलो। ये 1970 में हगीज डाइपर का क्या भाव था जी? 1970 में डाइपर का भाव 60 पैसे था। 60 पैसे लिख लो और दोबारा फोन मत करो प्लीज यहाँ पे। जी 1978 में चौथी क्लास के बाल भारती किताब का भाव क्या था? यही ना, 3 रुपए 40 पैसे था। 340 लिख ले और फोन करके जान करना बंद कर दे। हेलो जी मैं रमाकांत जोशी बोल रहा हूँ। ये 1998 में बारात वाली घोड़ी का क्या भाव था? अरे बाबा 3000 था। 3000 घास मिला के ना? हाँ हाँ घास के साथ। और इसी के साथ रिटायर्ड अकाउंटेंट मिस्टर रमाकांत जोशी अलाइज डूड ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अकाउंट क्लोज कर दिया। लेकिन ये इतने डिटेल में किस चीज का अकाउंट लिखा है आपने? देखिए शिवड़े साहब, मेरे बेटे के पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक जो भी पैसा मैंने उस पर खर्च किया है उसका सारा हिसाब किताब इस फाइल में है। एंड मैं ये सारा पैसा अपने बेटे से वसूल करना चाहता हूँ। क्या? बेटे से? From your own son? आप उस अनग्रेटफुल रास्कल को जानते नहीं शिवड़े साहब। मेरा बेटा पुरुषोत्तम टीवी के डेली सोप की तरह है, हर दिन दुख दर्द और तकलीफ की गारंटी। जायदाद के लिए बेटे ने बाप का कत्ल किया। हेलो बाबा, मैं क्या सोच रहा था, आपके पास खाली वक्त रहता है तो मेरे साइड पे मेरे काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हैं? मैन पावर भी कम है, आपका वक्त भी कटेगा और मुझे भी आपका एडवाइस मिलता रहेगा। कोई तो होना चाहिए जो मालिक की भी गलतियाँ निकाले। सुनिए, मैं साइड से जोगलेकर का फोन है, कह रहा है वॉचमैन नहीं आया। हाँ मालूम है मुझे, उसे कह दो मालूम है मुझे। अच्छा, इसलिए तो मैं बाबा को कन्विंस। हेलो, वो आपको फोन करेंगे। सिविल इंजीनियर बनाया हरामखोर, आज अपनी खुद की बिल्डिंग बांध रहा है लेकिन बाप के लिए दिल में एक स्क्वायर फीट जगह नहीं है। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए इसीलिए उसकी माँ का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में नहीं करवाया मैंने। अब बेटा कमाने लगा तो बाप बोझ बन गया उसके लिए। देखिए जोशी जी, I can understand your feelings, but I'm sorry. हम इस बेसिस पे कोई केस ही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जिसे। क्यों नहीं ऐसा कोई लॉ? अरे जब मरने के बाद बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है तो जीते जी बेटे की कमाई पर बाप का हक क्यों नहीं हो सकता? 35 साल अकाउंटेंट रहा हूँ शिवड़े साहब, 35 साल। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे इस दुनिया से डेबिट होने से पहले मैं अपना पूरा क्रेडिट पुरुषोत्तम जोशी से वसूल करके ही रहूंगा, और वो भी सूद समेत। केस नहीं बन सकता। वो अकाउंटेंट प्रधान आज भी अकेले ही बड़बड़ा रहा है। कैसा है तू? अरे मेरी तो लाइफ मेंबरशिप में यार वही चाल का प्रॉब्लम, कभी फुर्सत में बैठेंगे तो डेवलपमेंट बताता है और साथ में 2-3 पैक टकाटक चाय भी मारते हैं। क्यों? चाय सोमरस बंद कर दिया क्या? कुछ दिन के लिए। वैसे तो यहाँ मतलब पुरुषोत्तम का अकाउंट क्लियर हो गया लगता है। हाँ लेकिन वकील कहता है कि केस नहीं बनेगा। अरे ये लॉयर्स एक नंबर के लायस होते हैं। तू फिक्र मत कर यार, कुछ ना कुछ हम करेंगे। अब डूड की प्रॉब्लम तो सिर्फ अपने बेटे से थी, लेकिन लंबोदर की जिंदगी से थी। ऐसा लगता जैसे दो दो बच्चों को छोड़ने आती है। क्या बोला आपने? अरे रुको, तमाशा मत करो, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। मम्मी, मैंने कहा था ना पापा को मत लेकर आओ। दो इधर। आयुष रुको, रुको, दूसरों पर गुस्सा करने से पहले जरा खुद की तरफ देखो। किसे ऐसी नहीं आएगी। आजकल तो आयुष को भी शर्म आती है आपकी। क्या? देखो आके किसी और को दिखाना। शुक्र मानो कि आज तक मैंने आयुष को नहीं बताया तुम काम क्या करते हो। जिस दिन जान जाएगा ना, जो बच्ची कुछ इज्जत है आपके लिए वो भी चली जाएगी। तो ये है लंबोदर झा का छोटा परिवार, दुखी परिवार। भगवान ने हाइट देने में कंजूसी क्या की और लंबोदर का आसमान छूने का सपना सपना ही रह गया। कोई कुछ भी कहे बॉस, लेकिन साइज मैटर्स। हेलो, यू सब ठीक है ना? कैसे हो भाई? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, वो बस यूं ही आप रोज की तरह लाइन में खड़े होते हैं इसलिए मैंने आपको हाई कह दिया। इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनको क्यों नहीं स्माइल किया, क्यों नहीं हाई किया? नहीं बस। अरे क्या कर रहे हैं? अपने कम कद के फ्रस्ट्रेशन ने लंबोदर को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बना दिया और स्पेशली लंबे लोगों को देखकर तो उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता। लेकिन लंबोदर की लड़ाई सिर्फ ऊंचे कद वालों से ही नहीं थी, अपनी किस्मत से भी थी। देखिए मिस्टर झा जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है जी, तो आपको आपके सरनेम का अंत में अक्षर जोड़ना होगा। जी, झा के बाद हाँ। जिंदगी को जीना हम लोगों ने यही सीखा। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास, मतलब दारू का खंबा और 3 ग्लास। जिंदगी जीने का इससे सही तरीका और क्या हो सकता है? ये ले भाई, कभी तो हाथ धोया कर। माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया। सिखाया ना कि बेटा लंबोदर, हाथ पे सुसु नहीं करनी चाहिए। अरे फुल पैक किया डूड, फुल पैक किया। हाथ नहीं धोया तो कहने लगा कि आपको आपके सरनेम के अंत में अक्षर जोड़ना चाहिए। क्या? जा के बाद जा के बाद। तो लंबोदर, अगर तेरा नाम फाइनल हो गया है तो नए नाम से बुलाए। जोक था यार। वो कहते हैं ना, क्या करेगा पांडू जब किस्मत ही है खराब। साला किस्मत बदलने के लिए इज्जत गंवानी पड़ेगी। वो गायत्री भी बार बार धमकाती रहती है कि बेटे को बता देगी मैं क्या काम करता हूँ। इस औरत से शादी करके ना, तुम ये गलती रिपीट मत करना। एक ऐसी औरत ढूंढ जो तुझसे प्यार करे, एक ऐसी औरत जो तेरी सेवा करे और एक ऐसी औरत जो तेरे लिए खुद कमा कर लाए। हाँ डूड, बस इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि तीनों औरतें कभी आपस में ना मिले। अच्छा था। वो कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाए तो ये नौकरी वोकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करूंगा। अपनी भी वही स्टोरी है ब्रदर, नोट चाहिए नोट। जिस दिन जुगाड़ हो गया ना, नेक्स्ट डे प्रिया के साथ टेक ऑफ। डूड, बहुत लाउड हो रहा है। ये लाउड है? ये लाउड नहीं है। लाउड जानता है क्या है? लेटेस्ट। मेरे बेटे ने मुझे चौकीदार की नौकरी ऑफर की है। ये लाउड है साला, ये लाउड है। डूड, ये पुरुषोत्तम का नाटक आजकल बहुत बढ़ गया है। एक चाबुक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। एक दिन ना मजबूत बजाते हैं उसकी। एक दिन क्यों, कल ही कान के नीचे देता हूँ। बहुत दिन हो गए वैसे यहाँ साफ किए हुए। कान के नीचे? तू लंबोदर, तू, मुझे नहीं लगता तेरा हाथ उसके कान तक पहुँचेगा। अच्छा था दोस्तों, अच्छा था। बट सीरियसली डूड, इस पुरुषोत्तम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए, जा के बाद वो बॉटल देना उधर से। ये भी अच्छा था। खोका, अरे खोका मांगा है खोका। आप समझते हैं खोका? 1 करोड़। बेटा गलती से रॉन्ग नंबर लग गया होगा और मुझे लगता है खोका नहीं कोका कोला मांगा होगा। अरे अरे बाबा दुबई से फोन आया था, दुबई से। हम कब आते हैं कब जाते हैं पूरी इंफॉर्मेशन है उनके पास। यहाँ मेरी पूरी एक तो किसी की नजर में ना है इसलिए इतना पैसा कमाने के बाद भी इस मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते, फिर भी पता नहीं कैसे फोन आ गया। आज की तारीख में बिल्डर होना ही गुनाह है। दवाई हाँ मैं तो कहती हूँ आपको पुलिस में जाना चाहिए। वाह, वो कंजूस रसिक लाल ने भी यही गलती की थी। आज स्वर्गलोक कंस्ट्रक्शन का मालिक खुद स्वर्ग में सेटल है। मैं कुछ साल धरती पे ही रहना चाहता हूँ। कुछ न कुछ करके ये 1 करोड़ मैनेज करना ही पड़ेगा। कह रहा था वापस फोन करेगा। हेलो, ये चिरकुट हाय हेलो करने के लिए फिर से फोन नहीं किया। पैसे कब दे रहा है बोल। देखिए, मैं पुरुषोत्तम का पिता बोल रहा हूँ, रमाकांत जोशी। दरअसल पुरुषोत्तम के पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या नाम बोला तूने? जी, रमाकांत जोशी। आप पहले ईरानीवाड़ी में रहते थे क्या? जी हाँ, लेकिन अरे जोशी काका, मैं गजलुल रहमान आपका गजलू। गजलू? अरे गजलू, गजलू बेटा, इतने सालों बाद। हाँ याद है ना। अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो बचपन से ही आउटलाइन का लड़का था। लेकिन इतना बड़ा गुंडा बनेगा ये कभी नहीं सोचा था, वो भी एनआरआई। क्या काका आप भी। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तेरा गजलों का शौक अभी भी है कि नहीं? अरे वो कैसे छूट सकता है काका, अभी 2 दिन पहले ही मेरे घर पे जगजीत सिंह का प्रोग्राम रखा था ना। क्या बात कर रहा है। और क्या, पहले 3 गानों के लिए सर पर घोड़ा लगाना पड़ा, फिर बाद में वो मूड में ही छा गया। तू बिल्कुल नहीं बदला। अरे कितनी बार समझाया कि ये रिस्क वाला काम मत किया कर रहे। अरे कैसे छोड़ू काका, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत है ना। जॉब सेटिस्फेक्शन? लेकिन आज लोचा हो गया काका। क्यों, क्या हुआ? आपके घर पे फोन किया। आपके गजलू को माफ कर दो, गलती हो गई। माफी क्यों मांग रहा है, मैं समझता हूँ। वैसे काका आपको कोई तकलीफ विकलीफ दे रहा है तो बोलना। तकलीफ? तकलीफ तो दोनों दे रहे हैं। कौन दोनों? एक आर्थराइटिस और एक अस्थमा। काका तकलीफ मतलब भाई लोग की तकलीफ। अरे नहीं, हम लोगों को ऐसा क्या। खैर फिर भी कोई बात होगी तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। काका अभी फोन रखता है क्या, पाए लागू। अच्छा बेटा, जीते रहो। पापा आप नहीं होते तो मेरा तो 1 करोड़ गया होता ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा, रखवाली करना मेरा काम है। आखिर वॉचमैन जो हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, पुरुषोत्तम की शक्ल देखने लायक थी, एकदम कोडेक मोमेंट। बोला बाबा आज के बाद मांग कर सिगरेट नहीं पिएंगे। ऑसम डूड, एकदम हाई फाई। तूने भी क्या आवाज निकाल कर बात किया। फुल विकेट गई होगी ना पुरुषोत्तम की। अरे बिल्कुल, मैंने तो इतना डरा हुआ उसे सुहागरात वाले दिन भी नहीं देखा था। लेकिन काका तेरा बेटा तो तेरे से भी ज्यादा डरपोक निकला। अरे मैं तो 2 बार सोचता, वो तो 1 पाँव पर खड़ा हो गया 1 करोड़ रुपया देने के लिए। यार तैयार हो गया। हाँ क्या टेप लगा रहा है। नहीं सच कह रहा हूँ, बोला कि पुलिस के बाद में नहीं जाऊंगा। तुम देखते ना बात करते उसे। काका 1 मिनट, वो 1 करोड़ देने को तैयार है, पुलिस के पास भी नहीं जाएगा। काका की फाइल में भी तो पुरुषोत्तम का हिसाब किताब कुछ 1 करोड़ ही बनता है ना। तो क्यों नहीं, मतलब हेलो ब्रदर, क्यों नहीं हम। सीन लाउड हो रहा है। फोन करके बजाई ना उसकी। डूड सिगरेट का पैकेट जेब में लेकर शाइनिंग कर रहा है ना, तो बस इस आइडिया को ना इधर ही धन्यवाद करो। क्या तुम लोग एक्चुअली एक्सटॉर्शन के बारे में सोच रहे हो? अरे एक्सटॉर्शन नहीं यार, इन्वेस्टमेंट है जो मेरे बेटे पर मैंने की है। तो डूड एक्सेप्ट करो कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स डूबती भी है। इतना अच्छा मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, तू जो है। देखो भाई, अगर मेरी शादी प्रिया के साथ नहीं हुई ना तो मेरी जिंदगी भी तेरी तरह झा के बाट हो जाएगी। पैसे की जरूरत मुझे भी है, लेकिन इस तरह धमका के पैसे निकालने वाले हमको क्रिमिनल थोड़ी ना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे ठीक कह रहा है ना, जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत जाने से बेहतर है कि अपनी कमाई चले जाए। और वैसे भी पुरुषोत्तम का डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा 1 करोड़ रुपया वसूल हो गया। वैसे डूड नाम माइंड ब्लोइंग था ना, गजल रहमान। माइंड ब्लोइंग कहाँ से मिला? बांग्लादेश के किसी क्रिकेटर का नाम है। बात कर रहा। वैसे इसका नाम फजल है। अब इसने इफेक्ट के लिए गजल कर डाला। ये तो भाई फिर क्या हुआ? फिर क्या, हाँ उसी मैटर की वजह से भाई को जेल हो गया। अच्छा? जेल के अंदर भाई के पास सब कुछ, फ्रिज, माइक्रोवेव, टीवी, और उसी टीवी ने भाई की जिंदगी बदल दी। दत्तू भाई आस्था चैनल देखते थे? नहीं बे, बालाजी के सीरियल देखते थे। क्या बात कर रहे हो भाई, जो मतलब मेरी बेबी देखती है कहानियाँ, क्योंकि हाँ 4 साल भाई के पास जेल में कोई काम तो था नहीं, बस टीवी और भाई। बस उसी दिन से बालाजी के सीरियल की लत लग गई भाई को। यार रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं छोड़ते थे। अच्छा? अच्छा क्या, जेल से निकलने के बाद तो और मामला बिगड़ गया। और भी बिगड़ गया? हाँ, दुबई के भाई लोगों को आदत नहीं होती है जैसे कि फिल्म स्टार को बुला के पार्टी शार्टी करना। हाँ। वैसे ही अपने दत्तू भाई को टेलीविजन स्टार बुला के पार्टी करने का गजब का शौक चढ़ गया। यार भाई टीवी स्टार आते हैं हमें सर झुका के आते हैं। अरे उनमें से तो कई स्ट्रगलरों को तो दत्तू भाई ने कोट पहना के बालाजी के सीरियल का स्टार बना दिया। अरे तभी तो अपनी दुनिया के लोग दत्तू भाई को दत्तू सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। पागल और क्या। सुन तू नया इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ। हाँ। समझ रहा है मेरे केबल के कलंक। कमाल है भाई, गाली भी कैसे देनी पड़ती है यार, इसीलिए तो सिर्फ अपनी ही कंपनी में एकता है। देख रहा है, आज फिर जलवा, फिर पार्टी, शराब, कबाब और हम आप। देख रहा है, पहले इसको ऊपर ले जाके तैयार कर, फिर खुद तैयार होके पार्टी में आ। ठीक है भाई। उठा। देख रहा है? हाँ भाई, अपने दत्तू भाई के पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आए ना। कमाल है ना भाई। फिर ना कहना किसी से मिलाया नहीं। वो देख, हितेन तेजवानी अपनी बीवी के साथ। इसकी उम्र बता क्या होगी? आपसे तो छोटा होगा, 30-28। अबे 30 नहीं, 300। 300? और क्या बात कर रहे हो? रियल में? रियल में नहीं मुजरिम, सीरियल में। थैंक यू। अरे प्रकाश भाई, इन टीवी सीरियल एक्टरों को अपने रुपेश की शादी में घाटकोपर पर बुला के नचाने का कितना खर्चा होगा? पर ये लोग शादी में नाचेंगे। अरे जब ऋतिक और शाहरुख नाच सकते हैं तो ये क्यों नहीं है? ये भी है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये बात मैं दत्तू भाई के कान में डालता हूँ। अरे फुकट में काम हो जाएगा। दत्तू भाई। लागू भाई। नमस्ते दत्तू भाई। दत्तू भाई, बालाजी के साथ काम करते करते मेरा पल्सेट लो हो गया। चेक का। हाँ। 16-16 घंटे काम करवाते हैं, है ना? हाँ, 16-16 घंटे। ये बालाजी वालों का बहुत नाटक हो गया है ना? हाँ दत्तू भाई। देखता बोलो। हाँ और इतना एक्सक्यूज मी, मेरे को भी बोलने का है। दत्तू भाई, ये बेचारे गरीब लोग है ना, अपनी पेमेंट बढ़ाने की बात करते ना, तो वो लोग सीरियल में उम्र बढ़ाने की धमकी देते। दत्तू भाई, यहाँ तक की मेरा तो ये हाल है, रोज डे नाइट करने से 2 बार सेट पर बेहोश तक होकर गिर चुकी हूँ। अरे दत्तू भाई, मेरा तो दिखा रही थी। अच्छा। अरे दत्तू भाई, आपकी बहन प्रिया नहीं दिखाई दे रही? हाँ इधर ही कहीं होगी। ए प्रियास। ये मेरी बहन प्रिया है। हाय। ये सबको भूखा रखने का उपाय बताती है। भैया मैं डाइटिशियन हूँ। वैसे जो लोग कहते हैं कि आपकी सीरियल सिर्फ औरतें ही देखती है, उनको हमारे घर आना चाहिए। भैया आप सबके बहुत बड़े फैन हैं। क्या आपको भी सीरियल्स में इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट है। लेकिन सीरियल पल्सेस में। चलो एंजॉयस एंजॉयस एंजॉयस। वहाँ जाके तो सफर ही करने का है। ठीक है ना। अरे रे 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 थैंक यू। हाँ थैंक यू। अरे दत्तू भाई थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आपकी वजह से हमें बालाजी के सीरियल में। अरे नहीं दत्तू भाई आपसे एक बात करनी है। दत्तू भाई इस साल हम दोनों नजबलिया में भाग ले रहे हैं, तो अगर जीतने का कुछ। दत्तू भाई सेटिंग। जज का नाम बता दे काम हो जाएगा। थैंक यू दत्तू भाई। थैंक यू दत्तू भाई। एंजॉय एंजॉय। फोन करता हूँ। एंजॉय एंजॉय। वो देख रहा है भाई के साथ नाटा मोटा छोटा। जावले कैसा कह तू। जावले साहब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। भाई के खास आदमी हैं। बस ये समझ ले हम में से किसी एक को वर्दी पहनने का बहुत शौक है। क्या करेगा बाबा, दत्तू भाई का पार्टी है, नजर तो रखनी पड़ेगी ना, कौन आता है कौन जाता है। साक्षी जी तू बैठा। कैसे? बस ठीक। और लिटिल लिटिल साथ साथ में दे भाई इनको दे। भाभी जी पुणे वाली साक्षी जी। रहे हो। ए चलो बच्चे लोग चलो 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 चलो। ए साक्षी जी अपन की पार्टी में आने का बहुत बड़ा थैंक यू तुमको। क्या दत्तू भाई आपकी पार्टी हो और मैं ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे साक्षी जी जरा हमारी पार्टी भी कंसिडर कीजिए ना। हाँ हाँ तुलसी के साथ पार्वती भी तुम्हारी पार्टी में आ जाएगी तो तुम्हारा तो लाइफ सेट। क्या क्या दत्तू भाई आप भी। दत्तू भाई आपसे 2 मिनट कुछ पर्सनल बात करनी है। आइए ना। हाँ बोलिए साक्षी जी। आप तो जानते हैं दत्तू भाई बालाजी से मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने थोड़े से पैसे क्या ज्यादा मांग लिए, ये बालाजी वाले तो मुझे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि सीरियल में मेरा एक्सीडेंट करवा के प्लास्टिक सर्जरी दिखा के मेरा रोल किसी और एक्ट्रेस को दे देंगे। पिछले 4 एपिसोड से मेरा चेहरा बैंडेज के पीछे है। इनकी शर्तें मान ली तो ठीक है, वरना जब बैंडेज खुलेगी तो किसी और का चेहरा होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है दत्तू भाई। अब आप ही कुछ कर सकते हैं प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए साक्षी जी, मैं बात करता हूँ। ये दत्तू भाई की जवान है, दत्तू सैटेलाइट की। So sweet। आइए अभी मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। Sure। हाँ आइए आइए। एवरीबॉडीज एवरीबॉडीज एवरीबॉडीज। ये सब आप उनको पूछने लगते भाई ये पार्टी क्यों दिए लिए। आप लोगों को बता दूं कि मेरी बहन प्रिया की शादी फिक्स हो गई है। आइए आइए एक फोटो रुकना भाई। आइए आइए एक फोटो। हाँ क्या जब भी मॉल में आता हूँ खुन्नस देती है। काट के खा जाऊं क्या साली को। क्या बोलता पर पीछा संभालते। आज तो इसको हलाल करके ही रहूंगा। बेब्स कब से इंतजार कर रहा हूँ, फोन पर तो कह रही थी बहुत अर्जेंट है। गम। हेलो। गम के सिवाय तो मुझे डे भी कह सकते हो। क्या हुआ? भैया ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। What? किससे? अब भैया ने लड़का चूज किया है तो यू कैन टेक अ गेस। शादी के बाद लड़की एक घर से दूसरे घर जाती है और मैं एक गैंग से दूसरे गैंग में जाऊंगी। आकी, हमारी सेविंग्स में जितने पैसे हैं क्या वो काफी नहीं है? उतने में क्या होगा बेब्स? देश छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग तो करनी चाहिए ना। तुम प्लानिंग ही करते रहना, ओके आकी? कल मुझे किसी और के साथ फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्रिया, प्रिया प्लीज, प्रिया देखो ना, यू नो आई एम ट्राइंग। ट्राइंग? तुम जैसे लोग ना, शादी से पहले मैंने प्यार किया और शादी की बात आई तो ये मैंने क्या किया। ओह, एंड बाय द वे, कहते हैं शादी का पहला कार्ड किसी खास आदमी को देना चाहिए। ये क्या मजाक है प्रिया? मजाक? मजाक तो तुम मेरे साथ करते आए हो। वो सपने जो तुमने मुझे दिखाए हमारी शादी के, इस माहौल से मुझे दूर ले जाने के, वो सारे प्रॉमिसेस। जब भी पैसे के बारे में पूछती हूँ तो डोंट वरी बेब, सब हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो रही है मेरी शादी और वो भी गुंडे के साथ। ये सच है कि I really love you, लेकिन ये भी सच है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, इसलिए देख नहीं पाए कि तुम उस काबिल ही नहीं हो। तुम जैसे लोग ना प्यार तो कर सकते हो लेकिन निभा नहीं सकते। बाय द वे, शादी अगले महीने की 30 तारीख को है, जरूर आना। कम से कम इतनी हिम्मत तो कर ही सकते हो ना। तुम ना सिर्फ नाम के ही अक्षय कुमार हो, ब्लडी डरपोक। स्कूल से होमवर्क मिला है। माय फादर माय हीरो विषय पर 200 पंक्तियां लिखने के लिए कहा है। 10 भी कह दोगे ना तो बहुत है। मतलब क्या है तुम्हारा? रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती हो तुम। अब बच्चे के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। बाकी बच्चों के बाप डॉक्टर, इंजीनियर, कम से कम क्लर्क तो है ही, लेकिन आप। गायत्री बस भी करो, बार बार एक ही रट लगाए रहती हो तुम। तो बंद करो मेरा मुंह। लोगों को मार्केटिंग कहते फिरते हो, शर्म आती है? देखो जी ये बहुत हो रहा है। हाँ हाँ बहुत ही हो रहा है। एक तो शादी के वक्त कमर तक का फोटो दिखा के फंसा दिया तुम्हारे माँ बाप ने मुझे, तब से झेल रही हूँ तुम्हें। जहाँ भी जाती हूँ लोग पूछते हैं तुम्हारा पति क्या करता है, तो मुंह बंद करना पड़ता है मुझे। हाय रे मेरी किस्मत, तुम्हारे साथ कहीं आने जाने में भी शर्म आती है मुझे। भुगत रही हूँ मैं और तुम कह रहे हो बहुत हो रहा है। पता नहीं किस जगह का कर्म है मेरा जो तुम्हारे साथ पाला पड़ा है। वो मेरी शर्ट है। जब भी ये बात निकलती है आप भाग के क्यों जाते हो? हिम्मत है तो बताओ उसे, बताओ ना उसे काम क्या करते हो। सुनकर खुशी से नाचेगा वो, उसके ऐसे को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। स्कूल से लोगों की लाइन लगेगी आपको देखने के लिए। टिकट टिकट खरीद कर आएंगे लोग आपको देखने के लिए। दुनिया का 8वां अजूबा जो है मेरे घर में। हमेशा पूछता था ना तेरे पापा क्या करते हैं। देख अब बता, तू मेरे साथ चलेगा या इस मुर्गी के साथ रहेगा? आयुष। आयुष गजरुल रहमान से पैसे बचाकर हम पर कोई एहसान नहीं किया है और अपने बेटे के ही बचाया है ना है? अभी हार के बारे में पूछेंगे ना, बता दूंगा मैं। और हाँ, क्या पुरुषोत्तम ये माँ की तस्वीर पर प्लास्टिक का हार क्यों लगाया है? हाँ, रोज रोज हार बदलने का झंझट ही नहीं चाहिए। क्या हर संडे के संडे धोकर इस्तेमाल करेंगे तो ताजा भी लगेगा। हाँ, अननेसेसरी हार पे महीने के 60 रुपए क्यों खर्च करें? और वैसे फोटो को कौन सी खुशबू आने वाली है? शर्म आनी चाहिए। अरे भाई मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि वो पैसे पुरुषोत्तम के नहीं मेरे हैं यार। लेकिन फिर भी डूड अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पुरुषोत्तम से पैसे निकाला। नॉट हैपनिंग यार। देख तूने कितने हाथ पैर मारे पैसे जमा करने के लिए, कुछ हुआ? लेकिन इसका मतलब तो यही नहीं कि हम लोग जिंदगी में कुछ चीजें हासिल करने के लिए सही या गलत देख के नहीं की जाती, बल्कि वक्त और हालात देख के की जाती है। तू कह रहा कि पुरुषोत्तम सुधर जाएगा? अरे वो कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अब तो मैं पैसा वसूल करके ही रहूंगा और मैं जानता हूँ कि तरीका गलत है। नहीं, कुछ लोग टेढ़ा तरीका ही समझते हैं। लेकिन फिर भी डूड एक होका एक मामूली अमाउंट नहीं है रे। लास्ट मिनट एकदम पैसे से बिछड़ने का सदमा अगर पुरुषोत्तम बर्दाश्त नहीं कर पाया, पुलिस में केस किया ना तो मुंबई पुलिस ये छोड़ेगी नहीं। अरे मैं फिर कह रहा हूँ कौन सा गन रख के रोबरी करनी है, फोन पे ही तो धमकाना है। हाँ वो भी है। पिछले टाइम एक अकेले गैंगस्टर के नाम से फोन किया तो उसकी इतनी फटी। सोचो अगर एक पूरी गैंग के नाम से फोन किया तो। बोलो तो मैं अभी फोन करता हूँ इसकी। ओ एक गदाधारी भीम शांत हो जा, रुक जा। की सही कह रहा है, किसी गैंग के नाम से ही फोन करना पड़ेगा। किसी गैंग के नाम से नहीं डूड, हमारी गैंग के नाम से। लेकिन गैंग का नाम क्या रखेंगे? ऐसा नाम सोचते हैं कि सुन के गीली हो जाने चाहिए पुरुषोत्तम की। सोचो ब्रदर सोचो। बोल बच्चन कंपनी कैसा रहेगा? नहीं ब्रदर, अपनी लाइफ की रेखा बदलने के लिए बच्चन साहब को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा। मिल गया, एक्सटॉर्शन मित्र मंडल नाम रखते हैं। डूड गैंग का नाम सोच रहे हैं, गणपति का चंदा जमा करने नहीं जा रहे हैं। 2 दिन हो गए, इतना परेशान तो बेटे का नाम रखते वक्त भी नहीं हुआ था। काका क्या फर्क पड़ता है, एक फोन की तो बात है। कोई भी नाम रख दो, ABCD। एक मिनट ब्रदर, डी नहीं रख सकते, उसके कॉपीराइट किसी और के पास है। हा? लेकिन सी जरूर रख सकते हैं। सी का मतलब कुछ न्यूमरोलॉजी का चक्कर हो तो कंपनी का नाम कैसे रखते हैं? अगर सीरियल पिक्चर हिट हो सकते हैं तो गैंग क्यों नहीं? ब्रदर सी के पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? ये हमारे अपने घर का नाम है। सी हम तीनों इस सोसाइटी के सी विंग में रहते हैं ना, इसलिए सी कंपनी। अच्छा नाम है, लॉक कर देते हैं। हाँ लॉक कर दो, सी कंपनी। ए रेती सीमेंट, अगर बिना बात सुने फोन काटा ना तो मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ बोल 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 और कान खोल कर सुन ले, अगर अपनी भलाई चाहता है तो। देखिए भाई, दरअसल आप शायद जानते नहीं हैं, गजलुल रहमान नाम तो सुना ही होगा आपने। दरअसल गजलू भैया हमारे फैमिली फ्रेंड है, अगर उनको पता चला ना तो। एक मिनट, ये तो हमें गजलू की राख दे रहा है क्या? हेलो, फोन रख दे। कमाल है, फिर किसी गैंग से फोन था। गजलू रहमान का नाम सुनते ही फोन काट दिया। भगवान गजलू भैया को लंबी उम्र दे। सी कंपनी से पंगा तेरी माँ का। कैसा रहा? क्या रापचिक शॉट दिया डूड, है ना? एकदम रियल काका, एकदम रियल। सी कंपनी से पंगा तेरी माँ का। हेलो, सी कंपनी से बोल रहा हूँ। कल तेरे एक फैमिली फ्रेंड का चौथा है, डीबीटी में जिसका गला काटा है वो गजलुर रहमान है। अगर 1 करोड़ नहीं दिए तो तेरा भी यही हाल। नहीं नहीं भाई, मैं देने के लिए तैयार हूँ ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सुन, पैसा देने को तैयार है लेकिन समय मांग रहा है। अगले महीने की 30 तारीख से पहले पैसे किसी भी हालत में मिल जाने चाहिए। 30 तारीख से पहले, अगले महीने की 30 तारीख से पहले पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो वहाँ महीना खत्म, यहाँ तू खत्म। किसका फोन था? सी कंपनी का। बाबा बाबा बाबा, सी कंपनी का फोन था। उन्होंने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगा है। उन्होंने आपके गजलुर रहमान को मार दिया। गजलू को मार दिया? हाँ। आपके पहचान का कोई और है क्या? इस मामले में तुमसे अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, इसीलिए इसे यहाँ ले आया। देखो कितनी बेरहमी से मारा है। 1 करोड़ नहीं दिया तो इसका भी यही हाल करेंगे, ऐसी धमकी दी है। अरे ये सी कंपनी, इसका तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना है। गजलुर रहमान का सुना था? अरे नहीं। फिर देखो, मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि इन लोगों की धमकी बिल्कुल लाइटली नहीं लेनी चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। दे मीन बिजनेस। 30 तारीख से जितना पहले हो सके पैसे दे देना और अपनी जान छुड़ा लेना बॉस। अक्की ठीक कह रहा है। देखो बेटा, सर सलामत तो पगड़ी 50। लगता है 1 करोड़ तो अभी देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज का जाम खोखे के नाम। चीयर्स। अरे यार, तू इस रिंग टोन को चेंज क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर पर सो रहे हैं। अरे यार, ये फोन जेपी दत्ता से खरीदा था क्या? बॉस का है। हेलो हेलो अक्षय। यस सर। अपनी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या? नहीं सर। अरे जल्दी देखना, हंगामा हो गया। हंगामा अपने टीआरपी आसमान को छू रही है। वी आर रॉकिंग। जल्दी देख यार। कौन लोग हैं इस गैंग के पीछे जिसका नाम सी कंपनी बताया जा रहा है? डीवीडी में जिस शख्स का गला काट दिया गया है वो कौन है? बेरहमी से किए गए इस कत्ल का क्या मकसद हो सकता है? कहीं मुंबई शहर में अपनी दहशत फैलाने के इरादे से तो ये सी कंपनी नहीं आई। सवाल तो कई उठ रहे हैं, जवाब एक भी नहीं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं वो इसी डीवीडी से लिया गया है। आई डोंट बिलीव दिस। ये तो बहुत लाउड सीन हो गया डूड। लेकिन ये डीवीडी इस तरह ऑफिस में क्यों छोड़ी? अरे पुरुषोत्तम, पैसे देने को क्या तैयार हो गया, मैं वो डीवीडी उधर ही भूल गया। शिट 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 यार, बहुत बड़ा लोचा हो गया डूड। अरे एक्सटॉर्शन तो छोड़ो, अब तो मर्डर के लिए भी जेल में जमा हो सकते हैं। लगता है बाकी की जिंदगी भी सरकार ही ख्याल रखेगी। काका, ये मेलोड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचो, हमारी कंपनी के करियर के लिए फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। उधर लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं। अरे क्या लंबोदर तुम भी, घबराने की जरूरत नहीं है। सी कंपनी के पीछे कौन है हमें छोड़कर किसी को मालूम नहीं है। और फिर मीडिया की तो आदत है, 2 दिन बाद को उछालेगी, उसके बाद भूल जाएगी। और वैसे भी 29 तारीख में अभी देर है। हाँ, लेकिन पुलिस तो नहीं भूलेगी ना। उधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हम तक। एक मिनट, मेरे को तो अभी से पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। सायरन तो मुझे भी सुनाई दे रहा है। चावले साहब आप? बहुत बड़ा मैटर हो गया रे, बहुत बड़ा मैटर। तेरे से जरा पूछताछ करनी है सी कंपनी के बारे में। ये कौन है? वो मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं। लेकिन चावले साहब वो। सुबह से 10 फोन आ चुके दत्तू भाई के। जल्दी पता लगा है सी कंपनी कौन है। टीवी पे न्यूज देखी ना? हाँ। न्यूज देखी कि नहीं? हाँ 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 हाँ। तुम्हारे चैनल ने ब्रेक किया स्टोरी। सुबह से इधर कमिश्नर साहब उधर दत्तू भाई दोनों जान खा रहे। चल चल दत्तू भाई ने बुलाया, चल जल्दी। ऐसा मत कीजिए, देखिए हम बर्बाद हो जाएंगे माले साहब। हमारी बहन की शादी अगर आपके बेटे आर्यमन से नहीं हुई तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे माले साहब। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब तो शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं, तो हम क्या करें? अपनी बहन को किसी और के गले बांध दो। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। नहीं भैया मत कीजिए ऐसा। मेरे लिए आपको इनके सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको आर्थराइटिस है ना। बेटी मेरे से साल भर मारते रहे साले को। और चावले साहब क्या है? एकदम एकदम टाइम पे टाइम पे। अक्षय क्या हाल है? चाय पिला, चाय पिला। ए चावला साहब अभी एकाएक एक दिन ख्याल आया, अपना अक्की जो है अक्षय 47 साल का हो जाएगा तो मालूम दुनिया क्या बुलाएगी? क्या बुलाएगी? बोल रहे हैं 47। चल भाई को बुलाता हूँ। मॉम डैड मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनन्या से। लेकिन मैं आर्यमन से शादी नहीं कर सकती। हाँ भैया, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा राज है। मैं आर्यमन के छोटे भाई सूर्यमन के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वो लोग आ गए, मिलने की हालत में हैं। बेटा बेटा ओके बिठाता हूँ। भाई बालाजी बज रहा है। हेलो दत्तू भाई। हाँ साक्षी जी हाँ। क्या दत्तू भाई 4 एपिसोड से 16 एपिसोड हो गए हैं। बालाजी वालों ने अभी तक मेरा चेहरा बैंडेज के पीछे रखा है। अरे साक्षी जी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। दत्तू सैटेलाइट ने आपको जवान दिया है। जब भी बैंडेज खुलेगा उसके पीछे सिर्फ आपका ही चेहरा होगा। आई ट्रस्ट यू दत्तू भाई, यू आर सो स्वीट यू नो। थैंक यू सो मच। टेक केयर बेबी। बेबी हाँ आगे भाई आगे। ए जावले आपकी सब ठीक ना? हाँ। नमस्ते भाई। कुछ चाय भाई ठंडा? नहीं भाई। ए जावले। हाँ भाई। भैया वो सॉरी। एक मिनट इसकी शादी फिक्स हो गई है, मालूम है क्या? आने वाली 30 तारीख को। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। All the best. Thank you. Thank you. ए जावले, ये सी कंपनी का कुछ पता चला क्या? नहीं भाई, सुबह से बस इसी के पीछे लगा। मेरे नेटवर्क में जितने भी खबरी है सबको कांटेक्ट किया मैंने, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे को भी भाई नो न्यूज। लेकिन मेरे को लगता है जो भी सी कंपनी के पीछे है पुराना चावल है। पुराना नहीं बे, पुराना होता तो अब तक पककर खुशबू फैल जाता। कोई नया आया मार्केट में ठोक दे। ठोक दो? नहीं भाई नहीं, आप उनके पास ध्यान भी दोगे ना तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। भाई ऐसे गुंडे तो हिमेश के गाने की तरह है, हर 2 दिन में मार्केट में आते ही रहते हैं। आप तो रहमान की तरह हो भाई, एवरग्रीन। और भाई ऐसे छोटे मोटे चिंदी चोर गुंडे तो ऐसे ही चिंदी चोर गुंडे आगे जाकर बड़े हो जाते हैं। मैं तो बोलता हूं भाई इनके पर निकलने से पहले डाल देते सालों को। जावले ठीक कह रहे हैं, पता लगा कौन है। सालों को उनके एरिया में जाकर ठोक दे। Hi, babes. शायद आपको पता नहीं कि मेरी शादी तय हो गई है और मैंने पराये मर्दों से मिलना बंद कर दिया है। Just came here to tell you that. Big. पैसों का इंतजाम हो गया है। I swear. वापस कहो। पैसों का इंतजाम हो गया है। प्रिया, प्रिया, behave yourself. सब लोग देख रहे हैं। तो? क्या यार? सर कोक। कोक नहीं? Diet Coke. What are you doing, प्रिया? लोग हैं। Sir, 148. ये लो भैया। ये लीजिए। अरे जोशा, अरे प्रधान। चाहे जितनी विटामिन की गोलियां खा ले, 61 से 16 होने वाला नहीं है तू। ऊपर तो जाना ही है। हाँ, लेकिन ऊपर जाने के बाद की डील याद है ना? फिर क्या? रमा मेरी, उर्वशी तेरी। वो ऊपर जाकर अगर स्वर्ग नसीब हुआ तो। प्रधान, जोशा, मेरे हिस्से का नरक इधर ही भोग रहा हूं मैं। भगवान इतना भी निर्दयी नहीं है रे। बात क्या है? अब तो ऐसा लग रहा है कि हम सबको ये चाल खाली करनी होगी। कोर्ट कचहरी पुलिस मोर्चा सब हो गया, लेकिन आम आदमी की सुनता कौन है? हम जैसे लोग इनका तिनका जमा करके अपना घर बनाते हैं रे। हमेशा ट्रेनों और बसों में लटकने वाली हमारी जिंदगियों को अपनी इस 280 स्क्वायर फीट की खोली में चैन मिलता है। अब कोई पटेल नाम का बिल्डर अंडरवर्ल्ड की मदद लेकर बुलडोजर चलाना चाहते हैं हमारी जिंदगियों पर, ताकि वो यहाँ एक शॉपिंग मॉल खड़ा कर सके। इते जी देखा नहीं जाएगा रे चोचा, देखा नहीं जाएगा। कभी कभी लगता है अपना हक मांग कर नहीं, छीन कर ही लेना चाहिए। किसी गैंगस्टर या कंपनी से जान पहचान होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। एक फोन पे मामला सुलझ जाता है, एक फोन पे। सोचा एक फोन पे। पिछले 30 साल में प्रधान को मैंने कभी इतना हताश नहीं देखा। और मैं कहता हूं कि कंपनी तो बना चुके ना हम। एक फोन करेंगे तो एक तीर दो शिकार। लेकिन काका अक्की को पता चला ना? अरे हम बताएंगे तब पता चलेगा ना। एक फोन ही तो करना है ना यार। पटेल बिल्डर एक फोन करने से मानने वाला नहीं है। उससे अगर काम निकालना है तो एक और डीवीडी बनाना पड़ेगा। आई एम रेडी। डीवीडी बना बना के लाइब्रेरी खोलोगे क्या? पुरुषोत्तम और पटेल में फर्क है। पेपर में नहीं पढ़ा आपने? अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसके। कुछ और प्लान करना पड़ेगा। अरे वो राधा भाई चाल का काम शुरू करना है। अरे अर्जेंट है, बोला था ना तेरे को। देर किया तो गड़बड़ हो जाएगी। समझता नहीं बात को? चल। ओके सर। अरे तेरे को नौकरी दिया है मैंने, समझा इडियट। हेलो काका, पटेल निकल चुका है। आप जैसा प्लान किया है वैसा करना। पहला फोन 10 मिनट के बाद करना और दूसरा आधे घंटे के बाद करना, समझ गए? और काका जरा जमा कर, पूरे प्रोफेशनल लगने चाहिए हम लोग। हेलो, ए रेती सीमेंट, सी कंपनी से बोल रहा हूँ। सी कंपनी? ध्यान से सुन, नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा। मेरे को रख देता है कंपनी के है? अरे फोन बंद कर वरना तू जाता नहीं है। एक इतना उछल मत, मैं आधे घंटे बाद फिर फोन करूंगा। पहले तू अपनी जान बचा ले। तेरी गाड़ी के नीचे बॉम्ब है। बॉम्ब? अरे अरे किधर? अरे ड्राइवर साइड करो, साइड में लो, जल्दी साइड करो। अरे अरे मेरे सीट के नीचे तो नहीं है। अरे जल्दी करो, जल्दी। अरे वो तो आगे आगे आगे। अरे दत्तू भाई, कोई सी कंपनी ने मेरे गाड़ी के नीचे बॉम्ब रख दिया है, ये भी नहीं मालूम कि किस मैटर में। आप जरा देखो ना, अभी तो मैं बच गया दत्तू भाई, बोला है कि आधे घंटे में फिर फोन करेगा। ए पटेल पटेल पटेल, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, सिर्फ मुझे इतना बता, फोन कहाँ से आया था? जी दत्तू भाई, बाकी मैं देखता है। अरे भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? टाइम 12:35। हाँ, अच्छा अच्छा। चलो चलो, कम ऑन, हरी अप। क्या तुलस्कर साहब, क्या मच मचा है आपकी फौजिया? तू क्या बोल रहा है? क्या आपके राज में गाड़ी के नीचे बम भी लगा रहे? कोई टेररिस्ट ग्रुप है क्या? अलकायदा ने फिर कोई कायदा तोड़ा क्या? अरे नहीं यार, अंडरवर्ल्ड वालों का काम है। क्या बात कर रहे हो? कंपनी के लोगों ने बम लगाया? ये लेवल पे पहुंच गया आजकल। हाँ, अरे देखना, वैसे ये लोग है कौन? सी कंपनी करके है कोई। अरे तलापाटी के चल चल, तलापाटी के सी कंपनी। हाँ, नए नए आए, बहुत नाम कमा लिया वो लोग ने, ठोक देना चाहिए सालों को। अरे टिकट जाओ देना, ये जरा पार्टी लक्ष्य दिया। तुलस्कर साहब, मैं भी आया। हाँ, टिकट बक ये पीछे जाना, चल तुम लोग जाओ पीछे। ओ चला भागे, चला। विशेष सूत्रों के अनुसार बम लगाने की इस घटना में सी कंपनी नामक एक गैंग का हाथ है। आपको याद होगा कि ये वही सी कंपनी है जिसने शहर में अपनी दहशत फैलाने के लिए कुछ ही हफ्ते पहले कत्ल की DVD भी बनाई थी। ठीक है ना, तुम लोग संभाल लेना, मैं भी आता हूँ। हाँ दत्तू भाई, फोन टैप हो चुका है। मोबाइल से आता? नहीं, साइंस स्टेशन के सामने वाला पीसीओ है। मैं बस निकल रहा हूँ, तू वहाँ पहुँच, मैं अभी पहुँचता हूँ। ज्यादा बंदर चल। सी कंपनी पटेल साहब, आपके साथ किसी ने मजाक किया है क्या? सुतली बॉम्ब। हेलो। हाँ, इसे मजाक मत समझना पटेल साहब, मेरा मतलब साले। हमें बस यही दिखाना था कि अगर आज हम तेरी गाड़ी के नीचे सुतली बॉम्ब लगा सकते हैं तो कल RTX लगाना मुश्किल नहीं है। राधा बाई चाल के पेपर लौटा दे और मैटर से बाहर निकल। 2 दिन का टाइम है तेरे पास। लेकिन पेपर नहीं दिए तो टीवी पर अगला DVD तेरा होगा। ध्यान से सोच ले, अभी वापस समझाने को फोन नहीं करूंगा। अब इसको क्या ठोके, इसकी एक्सपायरी डेट तो वैसे ही निकल गई है। तमीज से बात कर, ये कोई और लगने ले। हाँ भाई, ये नहीं हो सकता। ये अंकल को तो मैंने अक्षय के घर देखा है। काका, इससे पहले यहाँ किसी को फोन करते देखा है? लगता है हाथ से निकल गया। आराम से काका, कोई टेंशन नहीं लेने का। आराम से। हाँ एकदम, कोई टेंशन नहीं लेने का। लंबी लंबी सांसें लो। ए मोटा, चल बैग उठा और काली पीली बुला, चल चल। भाई ये पर्ची। काका, आपकी पर्ची। काका, ये आपकी पर्ची गिर गई थी, दवाई की पर्ची। एक्सपायर होने के पहले खा लेना। आओ छोड़ देते हैं। रोक भाई, बैड लक बहुत खराब था दादा, इतनी फील्डिंग लगाई थी इस साल। जौले, आज अगर साले ये सी कंपनी वाले हाथ लगते ना तो आज ही ठोक डालते। बिल्कुल, इस धरती पर उनका रिपीट टेलीकास्ट कंफर्म। काका कुछ तो बोलो। जिंदगी भर डर डर के जिया हूं मैं, लेकिन आज मौत को इतना करीब से देखा तो सब डर निकल गया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदा हूं। I'm rocking। You are not rocking। अगर पीसीओ में आपकी जगह ये होता तो जिंदा होता। डराने के लिए फोन किया होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन बॉम्ब लगाना बॉम्ब और कल आरडीएक्स लगाने की धमकी। तेरा दिमाग मिला तेरी हाइट की तरह ही है। ये क्या है? 13वें का मेन्यू डिसाइड करो अभी। मुझे तो अखबार के दुखद निधन कॉलम में तीनों का फोटो नजर आ रहा है। अरे इधर वो डीवीडी का मैटर पब्लिक के माइंड से वाइप आउट हो ही रहा था कि तुम लोगों ने एक और आइटम पेश कर दिया। हम लोग फिर से ब्रेकिंग न्यूज में यार। अरे लेकिन हमें अक्की नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा हो जाएगा। हमें लगा कि अगर हमारे साथ किसी और का भी भला होता है तो उसमें बुरा क्या है यार? देख अक्की, एक बात याद रख, वो डीवीडी नेशनल न्यूज पर हमारी वजह से नहीं गई थी, लेकिन वो मेरे से मिस्टेक हो गया था ब्रदर। ये प्लान तुम लोगों ने सोच समझ कर बनाया था। इस बार पुलिस भी लाइटली नहीं लेगी और दत्तू भाई ने तो तुम्हें अब देख भी लिया है। शिट यार, तू भी ना ब्रदर। मैं क्या ब्रदर? ये आइडिया तेरा ही होगा। काका यार सुनो क्या कह रहा है। लेकिन इतना सब कुछ जिस दोस्त के लिए किया, पता नहीं उसका भी कोई फायदा हुआ या नहीं। राधाबाई चौल की ये सजावट को देखकर कोई शायद ये कहे कि आज का दिन दिवाली का त्योहार तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आज का ये दिन कोई त्योहार से कम नहीं। कई महीनों के बाद आज यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान दोबारा आई है और ये मुस्कान इन्हें मिली है एक अंडरवर्ल्ड गैंग सी कंपनी की मदद की वजह से। तो आइए हम बात करते हैं इस स्टॉल के सेक्रेटरी मिस्टर सदाशिव प्रधान से। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। तो प्रधान जी, पटेल बिल्डर्स ने राधाबाई चौल पर किया हुआ दावा वापस ले लिया है। आपकी जगह आपको वापस मिलने पर कैसा महसूस हो रहा है? सच कहूँ तो हमें अपनी जगह ही नहीं, हमारा आत्मसम्मान वापस मिल गया है। आज हम सब इतने खुश हैं कि व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अगर सी कंपनी हमारी मदद नहीं करती तो हम कहीं के नहीं होते, रास्ते पे आ गए होते सब के सब। मैं तो इन लोगों को अंडरवर्ल्ड के रॉबिनहुड कहूँगा, गरीबों के मसीहा कहूँगा। वो जहाँ कहीं भी रहे, हम लोगों के आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। और राधाबाई चौल के लोगों की यही दुआ रहेगी कि वो पुलिस के हाथ कभी ना आए। ये थे राधाबाई चौल के सेक्रेटरी प्रधान जी, जो कि एक अंडरवर्ल्ड गैंग को रॉबिन हुड का खिताब दे रहे हैं। मैं ऋतु शर्मा, कैमरामैन संजय जाधव के साथ जी न्यूज मुंबई। अरे जोचा, अरे जोचा, हमारी चाल फिर से हमारी हो गई। अच्छा सच बताऊं, मैंने तो इस जगह की आशा ही छोड़ दी थी। अरे सब ठीक हो गया तो रो क्यों रहा है? आज यहाँ सब लोग रो रहे हैं, मगर खुशी से। अरे भगवान सब देखता है, अंधा नहीं है वो। हाँ, कुछ दिनों के लिए कैटरक जरूर हो गया होगा। भाई चाली की लाइटिंग पार्टी का खर्चा इसने उठाया था, इसने पटेल ने। और क्या करता भाई, अपनी मैयत पे खर्चा करने से अच्छा था कि चाली की पार्टी स्पॉन्सर कर देता। हमारी प्रॉब्लम समझिए तू भाई, ना आपको ना पुलिस को किसी को सी कंपनी की कोई खबर नहीं है। अब आप ही बताइए कि इस सिचुएशन में हम आपसे प्रोटेक्शन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ए पटेले, अपन लोग कई सालों से मिलके धंधा कर रहे ले। मेरे हाथ के नीचे कितना मॉल्स बिल्डिंग बनाया, कभी किसी ने सामने आने की डेयरिंग तक नहीं की। हाँ, आज साला एक छोटा सा लोचा क्या हुआ तुम लोग? बात बराबर है दत्तू भाई, लेकिन आपकी बाकी प्रॉपर्टीज भी तो इल्लीगल तरीके से ली गई है ना। जरा सोचिए भाई, अगर कल ये सी कंपनी वहां पहुंच गई तो, और पता नहीं अगली बार कहीं बॉम्ब भी सुतली ना हो। इसलिए दत्तू भाई, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आगे से हम आपके किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। कुछ गलत बोला हो भाई तो आप ही मार दीजिए, वैसे भी सी कंपनी तो छोड़ेगी नहीं। माफ करना दत्तू भाई, लेकिन इस शहर में आपकी पहले जैसी दहशत नहीं रही। अबे नशा खोर, भाई की दहशत कम हो गई। यादव, घोड़े को लगाम दे। ये लोग सही कह रहे हैं। कमाल है, एक सी कंपनी ने 10 सालों के रिश्ते की मां बहन कर दी। भाई बालाजी, इसको भी वही आना था। हेलो, एक मिनट। ए मोटू। हाँ भाई। जब आया है तो नाश्ता पानी करा के छोड़ना। ठीक है भाई। जल्दी मिनट। हाँ शक्ति जी बोलिए। क्या बोलूं दत्तू भाई, आपने तो मुझे जबान दी थी कि बैंडेज के पीछे मेरा ही चेहरा होगा। हाँ, आप रो रहे क्यों? में मेरे चेहरे से बैंडेज उतरने वाला है और बैंडेज में मेरी जगह किसी और एक्ट्रेस का चेहरा होगा। साक्षी जी, सिंघानिया साहब, ये है आपके घर की कुलवधू। इन बालाजी वालों ने मुझे रिप्लेस कर दिया। साक्षी जी, आप रोइए मत साक्षी जी। रहने दीजिए दत्तू भाई, अब आपकी जबान की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या भाई, इसी कंपनी तो छोड़ी, अब तो सीरियल वाली कंपनी भी अपने से डरना बंद कर चुकी। मतलब यादव, तू अब बिच खड़ी निकल, अब बिच। अभी हम उनको बताता है कि दत्तू सैटेलाइट क्या चीज है। हाँ निकाल। दत्तू भाई, आपकी वजह से मुझे रावण का रोल मिला। समझ में नहीं आता आपका मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। दत्तू भाई, द वन एंड ओनली एकता कपूर, जिसके सीरियल ने दत्तू सैटेलाइट का ही नहीं पूरे देश का दिमाग घुमा दिए लाए। क्या, लेकिन कुछ भी बोल, अपन तेरे सीरियल का नंबर 1 फैंस है। क्या नहीं तो तेरा 1000 कंप्लेन लाएगा मेरे पास। तेरे सीरियल की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। तेरे सीरियल में औरत लोग कंजीवरम साड़ी पहन के फुल मेकअप करके सोती है। साला माँ कौन, बेन कौन, सास कौन, बहू कौन, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। सब एक ही उम्र के दिखते। हाँ, तेरे सीरियल में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, लगता है बम फूट रहा है, करगिल का लफड़ा चालू है। ये ध्यान। अच्छा एक बात बता, तेरे सीरियल में कैरेक्टर लोग का नाम ये आर्यमान, आर्यवीर क्यों है? क्या साला सुरेश, प्रवीण, कार्तिक मर गए ले क्या? अरे आखिरी दुनिया में इतना प्लास्टिक सर्जरी कहीं नहीं हुआ जितना तेरे सीरियल्स में हुआ है ना। फिर भी अपन तेरे को कुछ बोला नहीं ना? कुछ बोला? सॉरी दत्तू भाई, वो सीरियल की पॉपुलैरिटी के लिए करना पड़ता है ना। अरे करना जो तेरे को मांगता है कर, लेकिन अपन जो भी तेरे को बोला ना वो भी तेरे को करना पड़ेगा। ये बैंडेज के पीछे मुझे साक्षी जी का ही चेहरा मांगता है, पर उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई है ना। वो आप उनको कुछ नहीं मालूम। उस रोल में मुझे साक्षी जी चाहिए। क्या अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ ना, सीधा ठोक डाल। क्या? क्योंकि ये मेरी जवान का सवाल है। समझ गया ना? चलता है। Oh my God. Wait a minute, क्योंकि मेरी जबान का सवाल है मेरे नए सीरियल के लिए अच्छा टाइटल, और शुरू भी कैसे होता। बट सीरियसली मैं महेश भट्ट आप सबका तय दिल से स्वागत करता हूं। कौन है सी कंपनी? क्रांतिकारी या दहशतवादी, यह है आज का मुद्दा। हमारे स्ट्रीम पैनलिस्ट हैं मिस्टर सदाशिव प्रधान, सेक्रेटरी ऑफ राधाभाई चौल, मिस्टर P.N. Ghatge, ex-commissioner of police Mumbai, and Mrs. Ameda Chaudhary, a social activist, Masiha of the people, Robin Hood of the underworld. क्या ऐसे खिताब आपको उन लोगों को देने चाहिए जिन्होंने लोगों को जान की धमकी देकर आपकी मदद की है? ठीक लगता है आपको? नहीं, देखिए भट्ट साहब, सहारा लेने हम सी कंपनी के पास नहीं गए थे। हम गए थे पुलिस, सरकार या सेवाभावी संस्थाओं के पास। सबसे मदद की दरख्वास्त की थी हमने, लेकिन सुनी सिर्फ सी कंपनी ने। गाडगे साहब, क्या इसका अर्थ मैं ये निकालूं कि आम आदमी का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर से विश्वास हट गया? देखिए भट्ट साहब, मैं मानता हूं हमारे सिस्टम में लूपहोल्स हैं, लेकिन इस तरह अगर सब लोग अंडरवर्ल्ड वालों का सहारा लेने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे तो देयर विल बी नो लॉ एंड ऑर्डर। Ameda ji, what do you have to say about this issue? It's a complete glorification of gangsters. इस तरह एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे से अन्याय करना, it's ridiculous. कमाल है। जब कुछ बिल्डर्स अंडरवर्ल्ड का सहारा लेके हमें अपने घर से बेघर करने निकले थे, तब किसी ने कुछ नहीं किया। और आज जब हमारा हक का घर एक अंडरवर्ल्ड गैंग हमें वापस दिलाती है, तब ये न्याय अन्याय की बातें हो रही है। अमिता जी, दिस इज द पॉइंट। वेट मिस्टर प्रधान, नहीं आप इन्हें बोलने तो दीजिए। अमिता जी प्लीज 1 मिनट प्लीज, समबडी फ्रॉम द ऑडियंस यू वांट टू आस्क क्वेश्चन। 1 मिनट जी, बताइए। आई थिंक ट्रेनों और बसों में जो बम विस्फोट करते हैं वो आतंकवादी होते हैं, लोगों की मदद करने वाले आतंकवादी नहीं होते। राजू साहब, आई डोंट बिलीव दिस। अरे किसी की मदद क्या की इन गैंगस्टर्स ने? लोग तो इन्हें संत महात्मा बनाने लगे, बट इन द आईज ऑफ द लॉ दे आर नथिंग बट क्रिमिनल्स। नहीं, देखिए ये तो निर्भर करता है कि आप किस पक्ष में रहकर इस इशू को देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जो लड़ाई लड़ी थी उसे ब्रिटिशर्स ने टेररिज्म कहा था, लेकिन भारतवासियों के लिए वो महान क्रांतिकारी थे। हमारे लिए सी कंपनी क्रांतिकारी है और हमेशा रहेगी, और यह सिर्फ मेरी नहीं, हम 150 टेनेंट्स की आवाज है। Well, it's time for a short break. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और विवादों का सिलसिला यूं ही चलाएंगे, but seriously. सी कंपनी की ब्रेकिंग न्यूज हमने दी थी, लेकिन जैसा कि आपने देखा इस खबर को बाकी न्यूज चैनल्स ने इनकैश किया, तो मैंने भी अपने इस चैनल के लिए ऐसा ही शो लॉन्च करने का सोचा है जो कि अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। इस शो में आम जनता अपने प्रॉब्लम्स बयान करेगी और हम यह देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है, सरकार या फिर सी कंपनी। पहली बार ऐसा होगा कि सर, यस, ऐसा रियलिटी शो, इज इट पॉसिबल? मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। हाँ सर, बहुत कंट्रोवर्शियल लग रहा है। तो लगने दो। आजकल लोग न्यूज चैनल्स क्यों देखते हैं? न्यूज के लिए नहीं। हमारी कहानियां आज के टीवी सीरियल से ज्यादा सेंसिबल होती हैं, इसीलिए देखते हैं। लेकिन सर, ये प्रोग्राम एंकर कौन करेगा? हमारे न्यूज चैनल का स्टार रिपोर्टर, और कौन? अरे कांग्रेस ब्रो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द शो दैट विल रॉक द नेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जी न्यूज पर शुरू होने वाले इस शो की पब्लिसिटी जोरों शोरों से की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाला ये शो अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना सही है इस तरह अंडरवर्ल्ड गैंग को आम लोगों की तकलीफें दूर करने में शामिल करना, खासकर जब सरकार को भी चुनौती दी जा रही हो। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आम लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया है। अंडरवर्ल्ड लोगों की मदद करेगा? अरे आम लोगों का प्रॉब्लम भाई लोग सॉल्व करेंगे। इस देश में तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ सरकार, एक तरफ सी कंपनी। कमाल आइडिया है। सास बहू के सीरियल से तो अच्छा है। देखेंगे भाई, देखेंगे। ये प्रोग्राम हम जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे। तू तो मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा ब्रदर। ये तेरे चैनल वाले अपने भरोसे पर बहुत खर्चा कर रहे हैं यार। की सब फुकट जाने वाला है डूड। अरे बाप रे। हम लोग कुछ नहीं करने वाले। जो करना है सरकार करेगी। पुरुषोत्तम अपने को पैसे दे रहा है ना, बस अपन सरस है। सबसे बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है सरकार ऐसी कंपनी। हाँ? वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सरकार या सी कंपनी। मैं अक्षय कुमार आप सबका इस सबसे बड़े रियलिटी शो में स्वागत करता हूं। हर कोई चाहता है इंसाफ, मगर आम आदमी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इतना थक जाता है कि उसका इंसाफ पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका एक कॉल और हम सवाल करेंगे सरकार या सी कंपनी से। आपकी चुनी हुई सरकार या फिर जिन्हें आपने रॉबिन हुड्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड का खिताब दिया है वो। अब देखना यह है कि कौन सही उतरता है इंसाफ की इस कसौटी पर। हमारे इस शो पर आज की पहली शिकायत लेकर आई हैं श्रीमती आशा त्रिवेदी, मुंबई महाराष्ट्र से। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। सरकार या सी कंपनी शो में आपका स्वागत है। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी मेरे पति सुशील त्रिवेदी रेलवे हेड ऑफिस क्लर्क थे। ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें वो हमें छोड़कर चले गए, तो सरकार ने जो मुआवजा मंजूर किया था वो अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्या वजह बताई गई थी आपको? वह जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि ये बम ब्लास्ट 5:45 पर हुआ था और मेरे पति की ड्यूटी 6 बजे तक की होती है, तो कोई सरकारी कर्मचारी टाइम से पहले कैसे निकल सकता है, ऐसा बताकर उन्होंने कॉम्पेन्सेशन देने से मना कर दिया। प्रोविडेंट फंड मिलने वाला था वो भी रोक कर रखा है। अब उनके जाने के बाद मुझे रेलवे क्वार्टर भी खाली कर देना पड़ेगा। आप ही बताइए, 15 मिनट जल्दी निकलने की इतनी बड़ी सजा। मेरा एक बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ? कोई कमाई भी नहीं और मदद भी नहीं है। 2 साल से सरकारी ऑफिस के मैं चक्कर काट रही हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने तो कुछ नहीं किया, उम्मीद है सी कंपनी कुछ कर दे। लगा था अपनी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं। डूड अब पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, लेकिन एक फोन करके ट्राई मारे क्या? हाँ, हमारे एक फोन करने से अगर किसी का भला होता है तो मुझे लगता है हमें कोशिश तो करनी चाहिए। You're right, dude. और कौन सा गन रख के रोबरी करनी है, एक फोन ही तो करना है। लेकिन डूड इस बार फोन पीसीओ से नहीं करेंगे। हाँ नहीं, पीसीओ से फोन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। खांचा कार्ड। हाँ खांचा कार्ड, इससे फोन करेंगे ना तो कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता कि क्या नंबर है और किधर से फोन किया। इधर देख, सारे रियल भाई लोग यही खांचा कार्ड यूज करते हैं, तो हम भी भाई लोगों की तरह फोन करेंगे इससे। हेलो ब्रदर, एक बात दिमाग में डाल ले, अगर फोन पर काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कंपनी बंद है, पहले से बोल रहा हूँ। अरे चल चल तू खांचा लोड कर, खांचा लोड कर। डूड खांचा कार्ड दो ना। हेलो, वेस्टर्न रेलवे कॉम्पनसेशन डिपार्टमेंट। सी कंपनी से बोल रहा हूँ। सी कंपनी? ध्यान से सुन। 48 घंटे के अंदर आशा त्रिवेदी को रेलवे रिलीफ फंड का चेक और उसके पति के प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिला ना, तो उसका पति ऑफिस से 15 मिनट पहले क्यों निकला था, ये पूछने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तू टाइम का बहुत पक्का है ना, नोट कर। तेरा टाइम शुरू होता है आप। उपाध्याय जी। जी सर। सुशील त्रिवेदी की फाइल लेके आना। जी सर। सी कंपनी। मिसेस त्रिवेदी, आपको अपना हक पाकर कैसा महसूस हो रहा है? अब जी मुझे ये बताना है कि सरकार जो 2 साल में नहीं कर सकी वो सी कंपनी ने 2 दिन में कर दिया, और उनकी वजह से मुझे प्रोविडेंट फंड और कॉम्पेन्सेशन के पैसे तो मिल ही गए, और ऊपर से मेरे पति की जगह मुझे रेलवे में नौकरी भी ऑफर हुई है। कोई सी कंपनी को क्रिमिनल या गुंडा कुछ भी कहे, मेरे लिए तो भगवान है सच। थैंक यू सी कंपनी, थैंक्स। वो कहते हैं ना, हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। Getting it out of the way, fighting for the people as a common man. C Company's my hood, try and stop us if you can. C Company zindabad, zindabad, zindabad. C Company. Do it for the money, brother. C Company. C Company. Catch us if you can, brother. Now in the papers, on the news, on every cousin posts the hood, on every mouth is just one name. See, company is in the game. I can't wait for the day till the scarf just starts to fade. The news is all over us, and this is what she said. See, company. We gonna call. See, company. See, company. Like, see, company. Don't do it for the money. We're the see, company. See, company. Company. C company, C company, C company. तेरा पुरुषोत्तम इतनी तकलीफ दे रहा है, तू C कंपनी के कान पे बात क्यों नहीं डालता? जरूर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. We ain't gonna back down. C Company. जैसा कि आप देख रहे हैं कि C कंपनी की पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है. एक सर्वे के मुताबिक हमने पाया कि C कंपनी की पॉपुलैरिटी अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा है. कैसे दिखते हैं C कंपनी के लोग, इस विषय पर पेंटिंग कंपटीशन भी रखा गया है जिसमें लोग जोर शोर. भाई वो यूनियन लीडर आए हैं. कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सलोनी सिंह, जी न्यूज मुंबई. भाई ये 3 लोग, चौबे टैक्सी एसोसिएशन का लीडर है. नमस्ते कर. नमस्ते भाई जी. पाटिल डब्बा एसोसिएशन का लीडर है. भाई नमस्ते करो. नमस्ते भाई. भाई ये मंगला भाई काम वाली एसोसिएशन की लीडर है. नमस्ते. नमस्ते साहेब. सब समझा दिया ना? हाँ हाँ भाई हाँ, हाँ सब क्लियर है. क्लियर है सब. अपने अपने लोगों को खबर करो और आँख और कान खोल के रखो, और सी कंपनी के बारे में कोई भी खबर मिले तो ताबड़तोब अपन को बताने का. क्या चल पतली गली चल. घंटे घंटे घंटे. नमस्ते नमस्ते हो गया. चल 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 चल. भाई मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अपने पास इतने बड़े बड़े खबरी हैं, सी कंपनी का कोई खबर नहीं दिया. ये दुनिया के 3 बेखबर लोग कहाँ से खबर ला के दे पाएंगे? अरे यादव, ये तीनों वो खबरी है जो आम लोगों के बीच में रहता है, और इस आम आदमियों के इस आम कंपनी की खबर ये तीनों ही दे सकते हैं. ये क्या रे अखबार पर चल. आज सी कंपनी ने कुछ और पढ़ बे. भाई बालाजी के 3 एक्टर नींद न मिलने से कोमा में. बालाजी का फोन साइलेंट पे रख. प्यार पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, बराबर है, मगर इसके ऊपर खर्चा बहुत है. अरे ये वही है ना जो सरकार या सी कंपनी होस्ट करता है. हाय हाँ वही है. हाय तुम सेलिब्रिटी बन गए हो. बाय द वे सी कंपनी की वजह से भैया बहुत टेंशन में रहते हैं. रियली? हाँ, किसी चीज पे ध्यान नहीं रहता. हमारे लिए अच्छा है, भागने में आसानी होगी. दुबई के वीजा कल आ जाएंगे तो मुझे पैसे दे देना, मैं फ्लाइट बुक कर लेती हूँ. जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा. बट प्रिया वो आई वाज जस्ट गोना टेल यू कि वो पैसे. Don't tell me not getting the money, okay? नहीं नहीं पैसे मिल रहे हैं, ट्रस्ट में पैसे मिल रहे हैं. But there's just one problem. पैसे 29 तारीख को मिल रहे हैं. You must be kidding. You mean तुम्हें शादी से एक दिन पहले पैसे मिल रहे हैं? फिर भी हमारे पास एक दिन तो बचता है ना. अरे लोग तो शादी के मंडप से भगा के ले जाते हैं. अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझते हो क्या? Just remember, अगर 29th को पैसे नहीं मिले ना, then it's over. But this is our last chance. एक्सक्यूज मी सर. सर हमारी भी एक प्रॉब्लम है सर, लेकिन सर आपकी फोन लाइन्स बहुत बिजी रहती है ना. हाँ सर. तो सर अगर आपके प्रोग्राम में हमारी प्रॉब्लम. अरे तुम्हारा क्या, अब मेरी भी प्रॉब्लम शो में डालनी पड़ेगी. सर मैं कालबा देवी से श्रीकांत वर्मा बोल रहा हूँ. सर वो क्या है कि हम लोग का रेसिडेंशियल एरिया है और कुछ सालों से यहाँ पर एक क्लब खुल गया है, तो बहुत गड़बड़ है सर. हमारे यहाँ की सारी शांति बिगड़ गई है और गुंडों के डर से हम सब लोग डरते हैं सर. किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे जाए सर. हाँ हाँ अब क्या है कि सी कंपनी की वजह से हम में कुछ हिम्मत आ गई है, तो हमारी ये दरख्वास्त है कि सी कंपनी हमारी कुछ मदद करे और ये क्लब बंद कराए सर. भाई ये तो अपना ही क्लब बंद करने की बात कर रहा है. अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे. तू अपन के छोगरे लोग तैयार रख. हाँ भाई. अब बात सिर्फ फोन पर धमकाने से नहीं बनेगी डूड. जैसा डिसाइड किया था वैसा ही करते हैं। सी कंपनी को ताला लगाने का वक्त आ गया है। इट्स ओवर। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में दूसरी बार रिटायर हो रहा हूँ। डूड, अच्छा है काम से रिटायर हो रहे हैं, वरना जिंदगी से रिटायर होना पड़ता। चलो कुछ देर के लिए ही सही, लोगों के काम तो आया। बाकी बुढ़ों की तरह कबूतरों को दाना खिलाने से तो अच्छा ही है। लंबोदर, हेलो। ब्रो किधर है तू यार? हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं इधर। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में बैठा हूँ। क्या? बाहर में? हाँ, और अभी ध्यान से सुन। ये दत्तू भाई को फोन करके प्यार मोहब्बत से समझाया कि क्लब बंद कर दे, लेकिन ये बात इसकी समझ में नहीं आई, इसलिए एक मिनट। हेलो, ये सुन। जी सर। तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नहीं है तो बोल। नहीं सर। क्योंकि तेरे को मालूम नहीं है कि कौन। जी सर। हाँ कि हाँ ब्रो, अब लगता है फोन पे धमकाने से बात नहीं बनेगी, इसलिए खुद पर्सनली जाना पड़ेगा। सुन, तू ऐसा कुछ मत करा। आज रात 11 बजे ये दत्तू सेटेलाइट के क्लब के 12 बजने वाले। हेलो सुन। हेलो, क्या हुआ? शिट, ये येड़े ने दत्तू भाई को फोन करके धमकी दी है। क्या? आज रात को 11 बजे ये उसका क्लब बंद करने जा रहा है। यार डूड, अभी तो अपनी फुल लगने वाली है। ये सी कंपनी है ना, सी कंपनी, सी में डुबाने वाली अपने को। कभी भी आ सकते हैं वो लोग। हैं, तैयार रहना। तू तैयार है कि नहीं? हाँ भाई। तू रे? हाँ तैयार है भाई। हाँ, कहाँ जा रहे हो? कौन हो बे? तेरे को फोन पे समझाया था ना, क्लब बंद कर दे। समझ में नहीं आया, इसलिए खुद ताला लेकर आया। ये ले, लगा ताला। ले, ताला लगा। चल चल लगा। अबे है कौन तू? है सी कंपनी। सी कंपनी तू? बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। सी कंपनी। सी की स्पेलिंग होती नहीं और सी कंपनी। हाँ बल बल खान, बल नहीं तो दूंगा खान के। अरे किस किस को मारोगे? मैं भी हूँ सी कंपनी। मैं भी हूँ सी कंपनी। हम तो तीन ही थे, इन लोगों ने कब ज्वाइन किया? कौन है ये लोग? घर निकाल, घर निकाल। हाँ भाई, तू जा। भाई को बोल। दत्तू भाई, भाई सी कंपनी वाले आ गए। ए तुम लोग तैयार हो ना रे? तैयार है भाई। कितने आदमी है रे? भाई आप खुद ही चल के देख लो। मुझे नहीं लगा था कि सीख कंपनी के नाम से फोन करने से इतने जल्दी इतने लोग आ जाएंगे। अच्छा हुआ टाइम पर दिमाग चला, वरना हम तीनों का राम नाम सत्य था। अक्की, ये हमारे जैसे आम लोग हैं, इन पर एक बार एहसान करो ना तो ये जिंदगी भर नहीं भूलते। बंद करो, बंद करो दत्तू का क्लब, बंद करो दत्तू का क्लब, बंद करो। वो लंबोदर, बंद करो, बंद करो। इधर रुको डूड, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। बंद करो लंबोदर, 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक मिनट लंबोदर, मर जाएगा क्या? चल यहाँ से, चल चल। बंद करो, बंद करो। में रियलिटी शो सरकार या सी कंपनी को लेकर आज संसद में विरोधी पक्षों ने जमकर हंगामा किया। सरकार की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज आवाम एक अंडरवर्ल्ड गैंग को अपनी सरकार मान चुकी है। कहा जा रहा है सरकार का सारा काम सी कंपनी कर रही है। देखा, तुम कह रही थी पुलिस के पास जाओ। यहाँ बात संसद तक पहुँच गई है। अभी तक पुलिस को ये खबर नहीं है कि सी कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। अच्छा हुआ हम तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हो गए। हाँ। एक बार 29 तारीख को दे देंगे, जान छूटे हमारी। अच्छा हुआ हमने दत्तू भाई को सब बता दिया। और क्या, कौन फोकट के झमेले में पड़ेगा। क्या दत्तू भाई, इधर इतना बड़ा मैटर हो गया और आप टीवी सीरियल देख रहे हैं। बट अरे भाई, अभी कमिश्नर साहब से मिलके आया हूँ। सी कंपनी का पता नहीं चला तो मुझे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर तो होगा जावले, ट्रांसफर तो होगा, लेकिन तेरा नहीं, सी कंपनी का, सीधा ऊपर। तो सी कंपनी का पता लग गया जावले। कोई छोटा मोटा बिल्डर है, नाम पुरुषोत्तम जोशी, उससे एक खोखा वसूल करने वाले हैं इस 29 तारीख को। खबर पक्की है? एकदम पक्की रे। ये मौका और चौका कभी कभी लगता है, अब की बार सीधा ठोक डालने का। अब फिक्र मत करो, डगर घाल तो साले में। चाय चाय I don't believe this. तुम जोशी काका और लंबोदर सी कंपनी हो, जिन्हें पूरे देश ने सर पर उठा लिया है, वो तुम लोग हो, you three? मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था, पर अब कल क्या होगा क्या पता। पैसे मिलेंगे भी कि नहीं, बस इतना याद रखना। आई ट्राइड, आई रियली ट्राइड। मैं डरपोक नहीं हूँ। लेकिन तुम भी तो कह रही थी कि भैया और जावली साहब भी वहां होंगे, और तुम मुझे प्रूफ करने के लिए आई हो आउट ऑफ योर माइंड। बेब्स, दिस इज माय ओनली चांस। परसों तुम्हारी शादी हो रही है, अगर कल नहीं तो कभी नहीं। अब पीछे हट गया ना तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। लेकिन अकी, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब जो होगा सो होगा। अगर कल सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ तो ठीक है, नहीं तो हैव अ प्रॉस्परस मैरिड लाइफ। बस अगले जन्म में किसी गैंगस्टर की बहन मत बनना। पुरुषोत्तम जिस बैग में पैसा ला रहा है वो एकदम ऐसा ही है ना। अरे बोला ना यार, कितनी बार पूछोगे भाई। और ब्रो, हमें सिर्फ पुरुषोत्तम से बैग रिप्लेस करके भागना है, कोई शाइनिंग मत करना। ओके, शाइनिंग पुरुषोत्तम अभी आता ही होगा। जिस किसी को मिले उसे लाकर यहाँ काउंटर पे छोड़ जाए। 4 साल की लक्ष्मी, मेरी तो 1 करोड़ की लक्ष्मी खोने वाली। गाइस, पुरुषोत्तम वो देखो जावले आ गया। मैं जाके जावले को बातचीत में फंसाता हूँ। हाँ। तुम लोग मौका देकर बैग रिप्लेस कर लेना। ओके। जावले साहब, मैं अक्षय। हाँ। ये सब कवर करने आया हूँ। अच्छा। आप जब सी कंपनी को शूट करेंगे ना तो मैं आपको शूट करूंगा। अरे कैमरा से साहब, बराबर ठोकते वक्त शूट करना है। हाँ, आप उसका टेंशन मत लो। वैसे आप अकेले आए हैं? नहीं रे, चारों तरफ मेरे और दत्तू भाई के लोग लगे हुए हैं। आज नहीं बचेंगे साले। खुद दत्तू भाई भी आया हुआ है, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे। किधर है भाई? या सी कंपनी को पहुंचाना है। ऊपर ऊपर ये कहा गया? तो चल मिलता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ध्यान रख रहा है ना। चिड़िया अभी अभी दाना लेके आ गई दी है। जी भाई, हम दोनों हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली कंपनी अपन के हाथ से निकलने जाना मांगता है क्या? गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा काका, बस अपनी टाइमिंग ठीक रहनी चाहिए। बिल्कुल सावधानी से अच्छे से मिशन पूरा करना है। अबे यादव! हाँ भाई, पकड़ साले को। ये छोटू पकड़ उसको। एक बार मिल जाए तो तारे जमीन पर दिखाऊं इसको मैं। पकड़ भाई ये बर्निंग ट्रेन। मोटू उधर गया, उधर पकड़ साले को। भाई बालाजी बज रहा है। अरे हट। हाँ बोल। अरे तेरे को शूटिंग में चक्कर आने लगे तो मैं क्या करूं? रख बोल। छोड़ा मत साले को। तू खेल रहा है क्या? मोटू बैग उधर है। अरे भाई दुर्घटना से देर बनी भाई, रुको यार। अबे झूला नीचे ले। क्या झूला नीचे ले? लेता हूँ अबे, झूला नीचे ले बे। हाँ हाँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ। लगता अपन का नाम दत्तू सैटेलाइट नहीं, दत्तू दूरदर्शन होना चाहिए था। अब तो अपन को कोई जलवा करना पड़ेगा। चल पकड़। झूला पहले ही नीचे आ गया था। बैग फेंक के भाग गए साले। ये बैग तो खाली है हुँ? लेकिन अपन उनको बैग बदलते देखा है यार। सी फॉर चालाक। वो लोग जानता था कि अपन उनको पर नजर रखे ले। ये बैग चेंज करना सब नाटक है, अपन को एड़ा करने के लिए, समझा? बैग पुरुषोत्तम के पास है और सी कंपनी वो ही मिलेगी। चल। ओए श्रवण कुमार। कौन है? कौन है? तेरा बाप सी कंपनी। हाँ? अबे पैसे का बैग किधर है? पैसे का बैग वो तो सी कंपनी वाले ले गए। अरे आप लोग कौन हो? डी कंपनी में। डी कंपनी? इधर सी कंपनी, इधर डी कंपनी। लगता है ए टू जेड सब मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेब्स? तुम्हें तो मैंने एयरपोर्ट पे वेट करने को कहा था। मुझसे रहा नहीं गया कि तुम्हारे बारे में सोच सोच के मेरी जान निकली जा रही थी। अब चलो यहाँ से वरना हम सबकी जान निकल जाएगी। चलो। एक बार मिल जाए तो इसको मैं खान बना दूँगा। पैसे हाथ आ गए, अब बस इन दोनों को ढूंढकर यहाँ से निकलना है। अब की सुन सुन डूड, आप एक को ढूंढ रहा था। अरे लंबोदर वहाँ फंस गया है, उसको निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा साला। हाँ प्रिया हाँ? अभी के अभी मुझे फोन करो जल्दी प्रिया हाँ? जल्दी हाँ? जल्दी कम ऑन फास्ट। अबे गोली कौन चला रहा भाई? दत्तू भाई अरे बाप रे फंस गए दत्तू भाई। सी कंपनी जिन लोगों ने सरकार की मां-बहन काट डाली, दत्तू सैटेलाइट की पावर को चैलेंज किया हैं? चाय चाय वो तुम लोग हो हैं? ए तुम साला तेरे को कितनी बार पूछा रे ऐसी कंपनी कौन है ऐसी कंपनी कौन है? मेरे को मालूम नहीं। अरे बुड्ढा घुसड़ क्या रे काका मैं तेरे को टैक्सी में बिठा के आया था ना हैं? साला ये 1.5 फुटिया दत्तू सैटेलाइट का क्लब बंद कर दिया ए, क्या देखता बे क्या देखता तू ठोक दो लंबोदर नीचे देख। नहीं दत्तू भाई इसमें इसकी कोई गलती नहीं है ये सब मेरा आइडिया था। मैं तो पुरुषोत्तम से पैसे वसूल करना चाहता था। नहीं दत्तू भाई नहीं डूड जोशी काका या लंबोदर की कोई गलती नहीं है ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं भैया मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों भाग के शादी करने वाले थे और बस 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 बहुत हो गया तुम लोगों का मचमच। अब ये बता तुम लोग के साथ क्या सुलूक किया जाए? वही जो एक भाई को भाई के साथ करना चाहिए। भाई? अच्छा है बहुत अच्छा है जो एक भाई को दूसरे भाई के साथ करना चाहिए। गुर्दा है बाप बहुत गुर्दा है। साला रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। भाई आज से सी कंपनी बंद बंद हाँ भाई एकदम बंद एकदम बंद। लेकिन अपुन की आंखें खुल गई ली है। आज अपुन को मालूम पड़ा कि ताकत उम्र या कद में नहीं इरादों में होती है। अब तो लगता है कि सी कंपनी का मैटर सेटल करना ही पड़ेगा। आज अपुन मानता है जो लड़का तेरे लिए इतना डीरिंग कर सकता है वो तेरे को जरूर खुश रख सकता है। ये दत्तू सैटेलाइट का गारंटी है। हगीज भैया अरे हगीज यार दत्तू भाई ने सी कंपनी का पता तो लगा ही लिया साथ साथ बी कंपनी से भी अपना काम निकाल लिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। पिछले हफ्ते प्लास्टिक सर्जरी के बाद जिस औरत का चेहरा हमने आपको दिखाया था वो औरत आपके घर की कुलवधू नहीं थी। आपके घर की लक्ष्मी तो ये हैं। डॉक्टर साहब आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आज मुझे दूसरा जीवन मिला है तो सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से। सी विंग के फ्लैट नंबर 102 में बूढ़े शेर की दहाड़ फिर सुनाई देने लगी। आखिर डूड को महाराष्ट्र राज्य लॉटरी का बम्पर ड्रॉ जो लगा था। लंबोदर ने अपना आसमान छूने का सपना आखिर पूरा कर ही लिया। अगर आपको भी उसकी ऑफिस में नौकरी करनी हो तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी हाइट भी 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए। पापा। I'm sorry, पापा। I'm really sorry. I'm proud of you, पापा। छोटा परिवार, सुखी परिवार। Sometimes size doesn't matter. मेरी और प्रिया की शादी हो ही गई और काफी अनोखी शादी थी। आधे मेहमान पुलिस से थे तो आधे अंडरवर्ल्ड से, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और आज की खास खबरों में सी कंपनी का एक और कारनामा। मुंबई के एक लैंड ग्रैबिंग मसले में सी कंपनी ने भूमाफिया की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जमीन हड़पने का ये कारोबार सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। तू भाई स्वेर, हमने तो ये सी कंपनी उसी दिन बंद कर दी थी, पर पता नहीं कैसे इस शो में आज भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। दत्तू भाई ठीक कह रहा है। हम कंपनी क्यों खोल कर रखेंगे, हमने तो बंद कर दी है। ए, तू तो नहीं कहीं फोन कर रहा है? हो सकता है। अरे काका नहीं, अगर कर रहा है तो बता दे भैया, बता दे अभी। मैं फोन क्यों करूंगा दत्तू भाई, आप क्या बोल रहे हैं? जरूरत है बस बस बस। अगर तुम लोग फोन नहीं कर रहे तो सी कंपनी के नाम से ये फोन कौन घुमा रहा है? हेलो, सी कंपनी से बोल रहा हूँ। काम हो जाना चाहिए क्या?